नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आप देख सकते हो चिकित्सा विभाग में बम्पर पदों पे भर्तियां खाली है दोस्तों, और भर्तियां आने भी वाली है। कब ये भर्तियां आएगी, कौन कौन से पदों पे भर्ती आने वाली है, कितने पदों पे भर्ती आएगी, कितने पद अभी रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग, माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग का बहुत ही बुरा हाल है। आज ही का ये अपडेट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप देख सकते हो, खाली पदों के चलते माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड का बहुत ही बुरा हाल है, काफ़ी बुरा हाल है। चिकित्सा एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग का आप देख सकते हो, फ्रंट लाइन की ये न्यूज है। शिक्षा विभाग के स्कूलों में प्रिंसिपल के 8421 पदों पे रिक्त चल रहे हैं, और व्याख्याता यानी लेक्चरार के 21722 पोस्ट अभी खाली है। दोस्तों देख सकते हो काफ़ी बम्पर पद अभी खाली चल रहे हैं। इसी को लेकर के आप देख सकते हो क्या है पूरी अपडेट, कौन कौन से पदों पे भर्तियां जो पद है वो खाली है। आप देख सकते हो, ये देखिए खाली पदों की स्थिति आप इस प्रकार से है। पद का नाम यहाँ दिया गया है, प्रिंसिपल है, कुल पद है 15445 पद है, जिनमें से खाली जो पद है 8421 पद अभी भी खाली है। मान सकते हो इन पदों पे भर्तियाँ जल्द ही आने वाली है। व्याख्याता के 66102 पद अभी कुल स्वीकृत है, और 21000 इनमें खाली चल रहे हैं। मान सकते हो ये भर्तियाँ भी जल्द आने वाली है। इसी के अलावा वरिष्ठ अध्यापक के 14859 पदों पे खाली है, पीटीआई सेकंड ग्रेड के 1203 पद अभी खाली है, और तृतीय श्रेणी शिक्षक के 19350 पद अभी खाली है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 18920 पद खाली है। आप एक एवरेज लगा सकते हो, कम से कम 1,00,000 के आसपास पद खाली है चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग में, और इन पदों पे भर्तियां जल्द ही आने वाली है। इसी को लेकर क्या कहा है शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने, ये देखिए, स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक पीटीआई सहित कई पदों पे भर्ती प्रक्रिया दीन है, रीट परिणाम के बाद होने वाली लेवल फर्स्ट और लेवल टू अध्यापक भर्ती भी होनी होगी। दोस्तों शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही ये भर्तियाँ भी निकाली जाएगी। इसी को लेकर के उपेंद्र यादव ने भी एक जानकारी दी है, शिक्षा विभाग में जितने पदों पर भर्तियां चल रही है वह खाली पदों के मुकाबले बहुत ही कम है। बेरोजगारों को राहत देने के लिए खाली पदों के हिसाब से पर्याप्त संख्या में भर्तियां करने की ज़रूरत है। उपेंद्र यादव बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, और ये आप देख सकते हो जो कर्मोरत की गई थी जो स्कूलें हैं उनमें प्रिंसिपल ही नहीं है। प्रिंसिपल के 15000 पद स्वीकृत पदों में से 8000 पद खाली है। सरकार ने पिछले दिनों करीब 5000 स्कूलों को कर्मोत्तर कर सीनियर सेकेंडरी में बदल दिया था। इनमें से अभी तक प्रिंसिपल नहीं लगाए गए, इसलिए खाली पदों की संख्या एक साथ इतनी अधिक हो गई। दोस्तों आप देख सकते हो प्रिंसिपल के इतने पदों की खाली की जो स्थिति है, ये कर्मोत्तर किए जाने के कारण ये स्थिति बनी है। इसी को लेकर लेक्चरार के 21000 से अधिक पद भी खाली है। इसी को लेकर के क्या है पूरी जानकारी, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों की व्यवस्था संभालने के लिए न तो पर्याप्त प्रिंसिपल है, न ही पढ़ाने के लिए पर्याप्त व्याख्याता है। प्रिंसिपल के आधे से अधिक पद खाली है, व्याख्याता के भी 21000 से अधिक पद खाली है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का भी यही हाल है, फर्स्ट और लेवल टू के 45000 से अधिक पद खाली है। प्रक्रिया दिन के बाद खाली पदों की संख्या बढ़ेगी। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही पदों पे भर्ती आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये शिक्षा विभाग का काफ़ी बुरा हाल है, जैसे ही इन पदों पर भर्तियाँ निकाली जाएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा शिक्षा विभाग का कितना बुरा हाल है, और सरकार को इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए, और एक स्कूल के लिए प्रिंसिपल और व्याख्याताओं की व्यवस्था जल्द ही करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।